सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद शोभिक चैनल को और सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से जो है जॉब वैकेंसीज लेके आ चुका हूँ। जैसे कि थंबनेल देख के पता चल चुका है, घर बैठे जॉब करने के नया जरिया फिर से जो है नया एक लेटेस्ट जॉब लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर उसी के सारे डिटेल्स में बताएंगे, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारे जानकारी जो है वन बाय वन आप लोगों को दे दूँगा। NCS की तरफ से यह अपडेट आया है, NCS की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से डाटा एंट्री जॉब के रिगार्डिंग बहुत सारे जॉब पोस्ट हुआ है। देयर ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे देख सकते, इसका ऑफिशियल जो न्यू वेबसाइट है मैं उसको ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से जो है आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो और एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, एडुकेशन क्वालिफिकेशन से लेके आप कौन सी एज लिमिट के लोग जो है यहाँ पे कर सकते, पूरा जानकारी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारे दूंगा। इसी के साथ साथ आप लोगों के पास रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। NCS की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, जहाँ पे मैं यहाँ से स्पेशली दिल्ली सर्च कर चुका हूँ, दिल्ली और जो है मेरा लोकेशन दिया गया है, जहाँ पे डाटा एंट्री के जॉब लेके बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हुआ है रिसेंटली। तो जो जो कैंडिडेट घर बैठे डाटा एंट्री के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, डाटा एंट्री जॉब करना चाहते हो, यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पर रिसेंटली जो 30 जून यहाँ पे जो है यहाँ पे पब्लिश हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाटा एंट्री करके आप लोग एनुअल जो है 1,20,000 से 1,44,000 तक जो है सैलरी आप लोग अर्न कर सकते हो। और डाटा एंट्री के साथ साथ घर बैठे आपके मोबाइल के थ्रू आप लोग ये जॉब कर सकते हो, बैक ऑफिस असिस्टेंट जॉब, जहाँ पे डाटा एंट्री के आपको जो है करना होगा। बेसिक स्किल आपके पास होना चाहिए, राइटिंग, चेकिंग एंड बैंक स्टेटमेंट, टैली, MS Excel, वर्ड बेसिक, 10 to 6 PM बेसिक इंग्लिश आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो जॉब यहाँ पे आया है, रिक्वायर फॉर द कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री कॉल सेंटर वरुण के लिए, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, तो यहाँ पे डाटा एंट्री के जॉब निकला हुआ है। और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जॉब लोकेशन जो रहेगा दिल्ली में, इसके लिए 1,20,000 से 2,60,000 तक सैलरी आपको दिया जाएगा पर एनुअल। गुड़गांव हरियाणा दिल्ली में जो है जॉब लोकेशन रहेगा, डाटा एंट्री के जॉब रहेगा। इसके बाद जो पोस्ट यहाँ पे हुआ है, इसके लिए आपको 10th और 12th पास होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फिर से जो पोस्ट निकला हुआ है, महाराष्ट्र, पुणे, गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली में, तो यहाँ पर भी आपको जो है देख सकते पूरा डिटेल दिया गया है। स्किल रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है आप लोग तब भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ आपके पास फ़ोन होना चाहिए, स्मार्टफोन, जिसके थ्रू आप लोग ये काम जो है कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन किस तरह से करना होगा। इन सारे एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं है मैंडेटोरी, कोई भी एज लिमिट के कैंडिडेट यहाँ पे कर सकते हो, कोई भी एडुकेशन क्वालिफिकेशन है तब भी कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए एप्लीकेशन के इस लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, जिसके थ्रू आप लोग इसी पेज में आ सकते हो। इस पेज में आने के बाद ये अप्लाई के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, जिसमें क्लिक करने के बाद NCS के रजिस्ट्रेशन के जो पासवर्ड एंड पिन है आपको यहाँ पे देना होगा। जो जो कैंडिडेट अभी तक NCS में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना वो वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे रिसेंटली मैंने अपलोड किया गया है, उस वीडियो को आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हो, जहाँ पर पूरा डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा किस तरह से जो आप लोग NCS के ID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते पूरा डिटेल्स दिया गया है, कौन सी कंपनी में क्या वैकेंसीज है उस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिया गया है। न्यू दिल्ली में कोई भी जो है यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा, लास्ट डेट 11th अगस्त 2020 में आपको करना होगा। अप्लाई के ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है आपको यहाँ पे देना होगा। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, अभी अगर एप्लीकेशन नहीं किया, अगर आप अभी तक नहीं किया गया है आपका रजिस्ट्रेशन, तो अभी रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड देख के साइन इन करने के बाद ही आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। तो यही था आज की वीडियो, और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट करना मत भूलिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम के पेज भी नीचे दिया गया, वहाँ पे जाके भी मेरे साथ बात कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।